26 मार्च 2024 के अनुसार सुबह के 1:27 पर यूएसए की बाल्टीमोर सिटी में $600 मिलियन का नुकसान और 6 इनोसेंट लोग की मौत पाई गई। तो आ जाओ इस खौफनाक मंजर को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 26 तारीख को सुबह के 1 एमवी डाली कंटेनर शिप निकलती है बाल्टीमोर के पोर्ट से टूवर्ड्स कोलंबो श्रीलंका। सुबह के 1:24 पे पहला इमरजेंसी ब्लैकआउट देखने मिलता है ये शिप। ब्लैकआउट का मतलब होता है टोटल पावर लॉस, जिसमें शिप का इंजन बंद हो जाता है एंड मोस्टली स्टीयरिंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो कि ये केस में देखने मिली। 1:25 में शिप की पावर रिस्टोर की जाती है एंड 1:26 में फिर से एक और ब्लैकआउट देखने मिला। इस बार शिप ब्रिज के इतने नजदीक आ चुकी थी कि क्रू मेंबर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। 1:27 पे ये शिप ब्रिज के मेन पिलर पे जाके टकराया जाता है और चंद सेकंड में ही पूरे ब्रिज को तबाह कर देता है। इस दुर्घटना के समय 8 वर्कर्स ब्रिज पर काम कर रहे थे, उसमें से 2 को पानी में से रेस्क्यू किए और 6 अभी तक लापता। कैप्टन ने बड़े चतुराई से बाकी लोग की जान कैसे बचाई, इस पर हम कल बात करेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव रील्स देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब और इंस्टा पर फॉलो करते हुए जाएगा। 26 मार्च 2024 के अनुसार सुबह के